हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी सोया के कबाब बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत टेस्टी लगती है। ये सोया के कबाब बहुत क्रिस्पी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। तो क्रिस्पी करारे सोयाबीन के हेल्दी कबाब बनाने की रेसिपी, चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया है। सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए, इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन ली हुई है, इसमें मैं ये सारा गर्म पानी डाल दूँगी। गर्म पानी डालने से ये सोयाबीन जल्दी सोख हो जाते हैं और ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो इसका ढक्कन लगा दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट तक सोख होने के लिए रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद में ये सोयाबीन अच्छे से फूल जाएंगी, तो इनका एक्सेस पानी निचोड़ लेना है और इस तरह से ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर तो है, यही चाहिए हमें। और अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार ली है, जिसमें आधे चम्मच जीरा और 7-8 काली मिर्च डाल रही हूँ। 4 लहसुन की कली ली है मैंने, 2 टुकड़ा अदरक का लिया है और 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये सारा मैंने जार में डाल दिया। साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ सोख किए हुए हमारे न्यूट्रेला और इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, ग्राइंड हो चुकी है, तो इसको साइड पे रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने मूंगफली ली हुई है और इसको मैंने रोस्ट किया हुआ है और इसके छिलके हटा लिए हैं, इनको भी हमें पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, कितने अच्छे से बारीक ये हो गई हैं। इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले। तो यहाँ पर कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लें। गर्म मसाला पाउडर डाला है मैंने और नमक डाल रही हूँ। आधी छोटी कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, बेसन डाला है मैंने 2-3 चम्मच और यहाँ पे मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये इस तरह की हो जाए। तो अब हमें इसके कबाब बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे पोर्शन लूँगी और इनको कबाब का शेप दे दूँगी इस तरह से फ्लैट करते हुए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोया के सारे कबाब जो हैं प्रिपेयर कर कर रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो इस गर्म ऑयल में मैं ये एक एक कर सारे कबाब डाल दे रही हूँ, थोड़ा डिस्टेंस रख के, जिससे हमें इसको फ्लिप करने में आसानी हो। तो जब इनकी एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो इनकी साइड को चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, तकरीबन 3 मिनट के बाद में मैंने इनको फ्लिप किया है और ये एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो उसके अपोजिट साइड भी हमें इसी तरह का कलर आने तक फ्राई करना होगा। जब इनके ऊपर दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाए, तब हमें इनको निकाल लेना है। तो दोनों साइड से अलट पलट कर मैंने इनको फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई कर लिया है इन सारे कबाब को। और इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। तो बस ये गर्मा गर्म हमारे हेल्दी सोयाबीन के कबाब जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है, कम टाइम में बहुत टेस्टी कबाब ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये कबाब जो है रेडी हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।